12 क्लास के बच्चे गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो देखने के पहले आप लोग तैयार हो जाइए कि जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखें और दोस्तों को पे बीच में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फिर इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो चलिए हमने आप लोग के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी पी ब्लॉक के बारे में बता रहे थे और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 जिसकी बहुत सारी बातें आप लोग के पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग को भेजे, आप लोग समझा भी और आज चलिए उसी से रिलेटेड आप टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए सर बच्चे आप लोग को बता रहे थे प्रियार्थी लोग कि इस ग्रुप में ऐसे 5 तत्व है लेकिन इसमें 5ों में नाइट्रोजन जो है इसका गुण अन्य 4 वो तत्व जैसे कुछ हट करके है। आप चलिए वैसे गुण फिर आ जा रहे हैं जो उन लोग से कौन से मामले में ये अलग हो रहा है। देखिए ऑक्साइड्स की बात रहा तो इसके पहले हमने बता रहे थे हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स का मतलब है कि अगर कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अगर कोई यौगिक बनाता है तो उसे हम लोग हाइड्राइड कहते हैं। लेकिन ऑक्साइड्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे सब लड़के कि ऑक्साइड्स जो होते हैं करने का मतलब कि जब कोई तत्व या तो धातु मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, धातु हो अधातु हो या उपधातु हो, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ अगर संयोग करवाते हैं और ऑक्सीजन के साथ संयोग करने के बाद जो नया कंपाउंड्स बनता है उसी कंपाउंड्स को हम लोग ऑक्साइड्स कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड का टाइप्स तो बहुत सारा हो जाता है। तो चलिए आज हम ग्रुप नंबर देखिए हम चल रहे हैं 15 में तुम लोग को बताए थे कि इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट जो हमने निकाला था यानी ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखिए एक आया था +3 और दूसरा आया था +5। यह है जनरली नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मत तक हमने चला था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यही बोले थे कि +3 होता है +5 होता है। एकर मतलब कि इस ग्रुप का जो तत्व देख रहा जितना भी 5 तत्व है ये अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करे जनरली कहोगे कि दो तरह के ऑक्साइड बनाएगा, नहीं अगर इन तत्वों को M के द्वारा अगर डिनोट कर दिया जाए या X के द्वारा अगर डिनोट करते हो, अब X के द्वारा अगर डिनोट करते हैं यानी नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मत है, नहीं तो देखिए अगर 3 लेके चलते हो और ऑक्सीजन की संयोजकता तो लो पहले ही जा रहा कि 2 होता है। एकर मतलब कि 2 टाइप्स का बनाएगा, अगर यहाँ पर H2 कहिए यहाँ 3 लेके चलेगा तो H2O3 हो जाएगा, अगर यहाँ पर बताओ 5 लेके चलेगा तब तो H2O5 हो जाएगा, नहीं एकर मतलब कि अगर ऑक्सीजन के नीचे 3 लेके चल रहे हो एकर मतलब ट्राइऑक्साइड में चलोगे, नहीं यानी कि कहोगे कि एक ट्राइऑक्साइड बना है और अगर यही 5 लेके चलोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेंटाऑक्साइड। क्या बोलते हैं जी? पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, समझिए। एकर मतलब कि ग्रुप नंबर 15 के जो तत्व है जितना 5 तत्व देख रहे हो ये 5 तत्व अगर जनरली कहा जाए तो दो तरह के ऑक्साइड बना सकता है, नहीं अगर चूंकि ऑक्सीजन का पहले ही बोल दिया कि संयोजकता 2 होता है तो ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए एक्स के नीचे चला गया और एक्स का अगर 3 लेके चल रहे हो तो ओ के नीचे 3 आ गया, अगर 5 लेके चलते हो तो 5 आ गया, तब 3 को हम ट्राई करते हो तो ये ट्राई ऑक्साइड में आ गया और ये पेंटाऑक्साइड में आ गया, नहीं तो जनरली देखिए दो तरह के ऑक्साइड जो है सब बना गया लेकिन यहाँ पर लग गया। अब आप लोग को हमने बताए थे कि ये 4 तत्व यहाँ से आकर देख रहे हो ये तो तुम्हारा 2 ही तरह के ऑक्साइड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अगर देखा जाए
कहता है कि देखा जाए ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ अगर नाइट्रोजन कहा जाए तो देखता है ये दोनों को छोड़ करके भी यानी नाइट्रोजन का यानी कई सारा ऑक्साइड हो जाता है। देखिए जैसे कि बताए आपने कहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, देता है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हो, फिर देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हो, फिर देखिए बोलता है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो गया, और दो वहां से लेते हैं तो यहां से कहेगा कि डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया, आप फिर वहां लेके चलते हो तो कहता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया। नहीं, अब सोचो समझ लेंगे कि ये जो चार तत्व मात्र दो ही तरह का ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन देखिए यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं छह प्रकार का यानी ऑक्साइड बना दिया। पहला देखिए बोला आपने नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हो या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये गिनती पहले होते हैं कि अगर एक परमाणु है तो हम मोनो बोलते हैं, अगर दो हो गया तो डाई कहते हैं, तीन हो गया ट्राई कहते हैं, चार हो गया टेट्रा कहते हो, पांच हो गया पेंटा कहते हो, कहते हैं ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों है एक, तब बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन क्यों हो गया दो, ऑक्सीजन एक हो गया तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, डाई माने दो, नाइट्रोजन के वो है दो, तो डाई नाइट्रोजन बोलेंगे, ऑक्सीजन के वो है एक, ऑक्सीजन एक परमाणु है तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यहां बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यानी पांच तरह के देखिए ऑक्साइड बनाते हैं। और जनरली जब कहेगा तो जनरली में देखिए दो तरह के ऑक्साइड आते हैं। अब यहाँ दो तरह के ऑक्साइड में भी देखिए आपका आ जाता है कैसे, पहले नाइट्रोजन को लेकर चलिए तो यहाँ से कहा N2O3 हो गया, फिर कहेगा चलिए फास्फोरस लेकर चलिए तब P2O3 हो गए, फिर AS लेकर चलोगे तो कहेगा कि AS2O3 कर दीजिएगा, फिर अगर लेके चलोगे SB तो SB2O3 कहोगे, और फिर अगर विषमक लेके चलता है तो Bi2O3 होता है, ठीक है। अब तुम लोगों को पहले ही बताया था कि देखे रहे सभी विद्यार्थी यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 में पांच तत्व तत्व है, लेकिन इसमें मात्र हमने बताया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों में कहिए कि नॉन मेटल कार्बन है, कौन सी का है जी, और नॉन मेटल्स होते हैं, और पहले ही बोले हैं तुम लोग के कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसमें अम्लीय गुण पाया जाता है, इसका मतलब है कि देखा जाए ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल है तो इसका मतलब है कि यहाँ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ये दोनों में देखिए कहते हैं कि अम्लीय गुण होता है, कौन गुण होता है अम्लीय गुण, तो यहाँ से बताओ कि कहते हो कि N2O3 और देखिए P2O3 ये जो दोनों हो जाता है इसमें कहते हैं कि अम्लीय गुण है, कौन गुण है जी अम्लीय गुण बोलते हैं। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर आया था कौन सी आर्सेनिक, तो यहाँ पर कहते हैं कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, और एक जो जाता है वह कहिए आपका एंटीमनी में आ गया, तो एक ऑक्साइड होता है एक दोनों को ऐसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, कौन सी कहते हैं प्रोटेरिक बोलते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाता है। आइए जो लास्ट में देखिए विषमक हो जाता है यानी विषमक है यानी ट्राइऑक्साइड, तब विषमक ट्राइऑक्साइड होता है ये लगभग इसमें क्षारीय बना जाता है, बात समझिएगा, यानी अम्लीय गुण तो न के बराबर इसमें है। तब यहाँ पर देखिए आपका ग्रुप नंबर 15 में यानी पांच तत्व है
लेकिन इसमें जब भूल की बात करते हो, चेकअप करते हो, तब तुम लोग देखता है कि जैसे जैसे इसकी परमाणु संख्या बढ़ने लगा, चूंकि यहाँ देखिए 7 है, 15 है, 33 है, 51 दिख रहे हो ना, तो इस तरह से सोचा जाए कि जैसे जैसे याद करना तो नहीं है कि किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं और उसके तत्व खास करके पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तब पी ब्लॉक में इस ऊपर से जब भी नीचे की तरफ आते हैं तो ऑक्साइड के मामले में याद करना सब लगे कि जैसे जैसे तत्व की परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी उसमें अम्लीय गुण घटता जाएगा। अम्लीय गुण घटता जाएगा लेकिन क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहां पर अगर कहा जाए अम्लीय गुण के मामले में, तो अम्लीय गुण यहां पर अगर कहा जाए यानी अम्लीय गुण, तो अम्लीय गुण में हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे ज्यादा अगर अम्लीय गुण होगा तो वही कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में हो जाएगा। इसके बाद देखता है डाई फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में हो जाएगा। इसके बाद डाई आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद आपने कहा कि एन डाई एंटेनाइड और ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। और सबसे कम कहिए कि आपका हो गया यानी डाई बिस्मथ और ट्राइऑक्साइड। बस भैया अब इस सब में देखिए अम्लीय गुण होता है, लेकिन इसको हम कैसे कहें कि इसमें अम्ल का गुण पाया जाता है, तो कैसे जब लगा देता है इसका प्रश्न का जवाब तो फिर आपको जलीय विलयन बनाना पड़ेगा। तो अगर जलीय विलयन बनाते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं बोलते हैं N2O3 और यहां से लेते हो जल, अब यहां पे जल लेते हो तो यही एसिड बनता है, देखिए नाइट्रस एसिड कहते हैं। जैसे कि देखिए P2 और O3 लेते हो और यहां से देखा जाए H2O लेते हो, अब यहां पर रिएक्शन करने के बाद ऑर्थो फास्फोरस पानी की अम्ल बन जाता है। तो देखिए यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का जलीय विलयन का पहचान आपने किया, तो देखिए लिटमस पत्र के द्वारा या पीएच स्केल के द्वारा पता लगा सकते हैं। यहां पर डाई फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है, इसको जल में घुला करके आपने इसका गुण का चेकअप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो देखते हो आर्सेनिक ऑक्साइड है, एंटीमनी का जो ऑक्साइड है, ये अम्ल से भी रिएक्शन कर लेता है और क्षार से भी रिएक्शन कर लेता है। उभयधर्मी का मतलब क्या, एम्फोटेरिक मनिक बताए रहे हैं कि अगर कोई पूछता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो बोलेगा कि वैसे यौगिक या वैसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता हो। बस एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता हो उसी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगर मतलब है कि यहां पर देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड और एंटीमनी ऑक्साइड जो है इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड करें, इसका मतलब है कि समझिएगा कि ये दोनों जो है एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। बट वही जब जाता बिस्मथ ट्राइऑक्साइड पे तो देखता अम्ल के साथ न के बराबर रिएक्शन करता है, सॉरी जल के साथ रिएक्शन करते भी है वो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। इसका मतलब सोच रहे हो कि सब तो बताओ कि ग्रुप नंबर 15 का ही तत्व है और सभी ऑक्साइड बनाया, लेकिन नाइट्रोजन जितना ऑक्साइड बनाया क्या अन्य तत्व उतना ऑक्साइड बनाया, नहीं बनाया। जनरली दो प्रकार के ऑक्साइड को सब बनाया, लेकिन दोनों प्रकार के ऑक्साइड को भी देखिए ये जितना ऑक्साइड बना वो सब उनका जो गुण हमने चेक किया तो सब का गुण भी है नेचर वो भी सेम नहीं मिला, मिला नहीं। तो ऑक्साइड्स में देखा जाए अब यही करते हैं हम लोग कि ए समझ ट्राई ऑक्साइड की बात करते हो, अगर पेंटा ऑक्साइड की बात करते हो तो यहां पर देखिए पेंटा ऑक्साइड में आ जाएगी। तो याद करेगा सभी बच्चे यहाँ पे कि ट्राई ऑक्साइड की अपेक्षा जब पेंटा ऑक्साइड करेगा तब पेंटा ऑक्साइड की शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर मानते हैं
कि नाइट्रोजन को ही लेके चलिए। अब यहां से बताओ कि नाइट्रोजन को लेके चला तो N2O3 बना, यहां नाइट्रोजन को लेके चलेगा तो N2O5 बन जाएगा, बराबर है बनेगा। अब यहां पर सोचिए, कोई कहेगा कि बताओ इसमें भी अम्ल का गुण ज्यादा है, अम्ल का गुण है और इसमें भी अम्ल का गुण है, लेकिन इसमें अम्ल का गुण ज्यादा है तो फर्स्ट से बोलेगा कि पेंटाऑक्साइड है यानी अम्लीय शक्ति। ठीक है, अम्लीय शक्ति जब कह दिया तो यहां पर कहेगा कि पेंटा में ज्यादा, यहां पर जैसे कह दिया फास्फोरस यानी P2O3 का दिया और यहां पर बोल दिया P2O5। अब बोला कि बताओ ये है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसमें अम्ल का गुण ज्यादा होगा तो फर्स्ट से बोलेंगे पेंटा में होगा, बस हो रहा है। अब देखेंगे इसी प्रकार से मानते हैं बिस्मथ ऑक्साइड का कि Bi2O3 और यहां से कहा Bi2O5, इसमें बताओ हमने बोले थे कि देखेंगे बिस्मथ आके आके इसमें आपका क्षारीय गुण आ जाता है, तो क्षारीय गुण की बात रहे यहां पर फर्स्ट से पेंटा में ही बोलेगा कि क्षारीय गुण के मामले में भी यानी कि पेंटा में ज्यादा। अब यहां पर देखिए कहा कि बताओ डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और एक जल से रिएक्शन किया तो यहां पर देखिए नाइट्रस एसिड हो रहा है लेकिन यहां पर देखिए नाइट्रिक माने एसिड बन गया यानी HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। जैसे कि बताओ P2O5 का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का और यही बताओ जल में इसको आपने घुलाया तो यही देखिए फास्फोरिक एसिड बन जाता है यानी H3PO4 बन गया, बन गया कि नहीं। तो यहां पर याद करेंगे कि यहां पर ट्राई है वो या पेंटा, आपको कहेगा कि ट्राई ऑक्साइड के अपेक्षा पेंटा ऑक्साइड में हम ये गुण अधिक होता है, क्यों? तो बोलेंगे क्योंकि ये जो पेंटा ऑक्साइड होता है वह जल से अभिक्रिया करके शीघ्र यानी एसिड में कन्वर्ट कर जाता है और आयनों में जहां तक बात आयनों की बात हुई है तो ट्राइऑक्साइड के अपेक्षा जो पेंटा ऑक्साइड है वह जल में देखा जाए ये आपका नाइट्रिक एसिड या फास्फोरिक एसिड ये जल में बहुत तेजी से अपेक्षाकृत या नाइट्रस अम्ल आई है ऑर्थो फास्फोरस, तो नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रस अम्ल के अपेक्षा नाइट्रिक अम्ल होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और परमानेंट भी होता है, ये तो अनस्टेबल है, ये ऑर्थो फास्फोरस अम्ल करे हो ये अनस्टेबल है, जैसे इसको एयर में छोड़ दोगे वो ऑर्थो फास्फोरिक में बदल जाएगा। तो ये दोनों को हम लोग देखिए हमने लैब में जो है रखते नहीं है, ये लैब में रखेगा भी आपको तो फर्स्ट से कन्वर्ट कर देगा ये असैथोटिक में बदल जाएगा। तो इस यात्र में कि यहां पर मतलब नाइट्रस है वहां पर नाइट्रिक है, तो अगर नाइट्रिक एसिड को अगर जल में डालते हो और नाइट्रस को अगर जल में डालते हो तो नाइट्रस की अपेक्षा जो नाइट्रिक एसिड होता है वह शीघ्र आयनन हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अपेक्षा कोई एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें गुण भी अलग होता है। देखते हो नाइट्रिक ऑक्साइड या सॉरी नाइट्रिक एसिड में कहता है ऑक्सीकारक का गुण बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीकारक का गुण अत्यधिक होता है कारण कि वह आसानी से ऑक्सीजन को त्याग देता है और नाइट्रिक से नाइट्रस में बदल जाता है, लेकिन नाइट्रस अम्ल करते हो तो एक तरह का रिडॉक्स एजेंट है, इसमें ऑक्सीकारक का भी गुण है और कारक का भी गुण है, बदले हुए है तो दोनों नाइट्रोजन का ही एसिड नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, बट दोनों में डिफरेंट पूछे तो डिफरेंट में बताइए, बताना पड़ेगा आपको कि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है लेकिन नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक का कारक दोनों का भी हेल्प करता है, काज करता है। ऑर्थो फास्फोरस अम्ल एक अस्थायी एसिड है लेकिन ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल अस्थायी एसिड है, बस समझ। तो यहां पर अगर ट्राई और पेंटा में रीजनिंग में करता है क्वेश्चन तो यहां पर भी जवाब इसी तरह से आ गया है। तो यहां पर ऑक्साइड इसके पहले दिन तुम लोग को बताए थे हाइड्राइड्स के बारे में,
आज हम लोग को बताएं ऑक्साइड्स के बारे में। इतना कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, तो इतना कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अगले दिन हम लोग को बताएंगे इनका एसिड के बारे में, ठीक है। और जितना ऑब्जेक्टिव है उसको निकालते जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, इतना ही क्लास को ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।